Assalamualaikum student, welcome to my channel. Today we will discuss about the formation of anions. पिछली वीडियो में हमने cations को discuss किया था, अब आज हम लोग anions पर discuss करेंगे. Cations थे positively charged ions और anions हैं हमारे पास negatively charged ions. ठीक है, negatively charged ions. Same इसी तरह हम इसकी examples देखते हैं. तो इसकी भी बहुत सारी example हैं, जैसे हमारे पास hydrogen आ गया -1, सल्फर हमारे पास आ गया -1, नाइट्रोजन हमारे पास आ गया -3, फास्फोरस हमारे पास आ गया -3 और एटसेट्रा, बहुत सारे हमारे पास के एग्जांपल हैं. अब सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे. सेम इसी तरह हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, तो हमें पता है 1 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है हमारे पास 1s1. अब आप देखें s शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ये अनस्टेबल है, ये किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना s सब शेल कंप्लीट कर देगा. तो ये क्या करेगा, +1e-, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले लिया है, गेन कर लिया है, और अब हमारे पास ये 1s2 बन जाएगा, इसका s शेल कंप्लीट होगा, क्योंकि s में हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब इसी तरह हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो हाइड्रोजन में 1 ही है, लेकिन जब ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेन कर लेगा, तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट अब हमने देखते हैं हम कोई और एग्जांपल हम देखते हैं, नाइट्रोजन की देख लेते हैं. सेकंड नंबर पे हम नाइट्रोजन का देखते हैं. नाइट्रोजन के ऊपर अब हम देखते हैं -3 चार्ज कैसे है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है 5 होता है, 5 तो 5 नहीं होता है, खैर नाइट्रोजन का 7 होता है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, 1s2, 2s2, अभी हमारे पास 4 हुए हैं, 5, 6, 7, तो 3 और आ जाएंगे. अब देखिए इसकी फर्स्ट शेल में 2 हैं और सेकंड शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. वैसे आपको पता है कि सेकंड शेल में 8 होने चाहिए, यानी 5 के बाद 6, 7, 8, 3 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये किसी से भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. ठीक है, और अब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 1s2, 2s2 एंड 2p6, 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो इसकी कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो गई, 2p6 हो गई. ठीक है, अब इसका भी हम इसी तरह स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं. तो नाइट्रोजन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और 5. ठीक है, अब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो अब हम देखते हैं इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, उसमें 8 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5. 5 ऑलरेडी था, अब हम जो गेन उसने किए हैं वो हम क्रॉस से शो कर देते हैं, 3 इसने गेन कर लिया. अब देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं. तो ये ना, इसलिए हमने कहा कि नाइट्रोजन -3 है, कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने गेन कर लिए. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कोई और एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं फॉस्फोरस की ले लेते हैं, या हम ब्रोमीन की ले लेते हैं. ब्रोमीन हमारे पास है -1, ब्रोमीन का जो है वो एटॉमिक नंबर वो 17 होता है, जब 17 है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 आते हैं. अभी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हुए अभी हमारे पास, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अभी हमारे पास हुए हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 5 और आएंगे, तो अब हमारे पास 17 पूरे हो गए हैं, ये KLM. अब आप देखें इसके पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऑक्टेट में एक ही 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देखें इसके पास 6, 7 तो ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन ये और किसी से ले लेगा, तभी इसके ऊपर -1 चार्ज आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया. तो अब जब हम इसकी कन्फिग्रेशन देखते हैं तो अभी हम देखेंगे कि इसका ऑक्टेट कम्प्लीट होगा, 3s2 और 3p, पहले 5 था, अब 3p6 हो जाएगा, कि एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया. ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं, ब्रोमीन, अब इसे कितने 17 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में देखें 2 आएंगे, सेकंड में 6, 7, 8, 8 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और नेक्स्ट में हमारे पास 5, 6, 7 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सेम इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, और अब हम देखें ड्रा करते हैं ब्रोमीन। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, सेवनटीन तो ऑलरेडी हमारे पास थे। अब एक जो लिया है उसे हम क्रॉस से शो कर देंगे, तो ये हमारे पास ब्रोमीन माइनस वन का स्ट्रक्चर भी आ गया। सेम इसी तरह जो भी आपके पास मॉलिक्यूल आएगा, जो भी एटम वो आपको देंगे, आपने सिंपल उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, आउटर मोस्ट उसके इलेक्ट्रॉन देखने हैं। उसने अगर आपको पता चल जाएगा कि उसने गेन करना है लूज़ करना है, देखिए अब जिस तरह साफ पता चल जाएगा कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने फाइव देगा तो नहीं एक लेगा। तो इस तरह आप लोगों ने इसी तरह कर देना है, बहुत ईजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे और वीडियो के साथ, कुछ और स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।